Assalamualaikum and welcome to Radio Sabka Saath, and you're listening to Weekly Dose with Arjanam. Across the world, wherever you are, whatever you're doing, you can join us on our YouTube channel Nai Subha, NAISUBAH. And you can also join us and participate in our show by joining our Facebook pages. Facebook.com/Naisubha, NAISUBAH, and Facebook.com/Sabkasath, SABKASATH. And you can also visit our website, that is www.naisubha.org, NAISUBAH.org, where you can find very informative stuff. So go and check it. और आप हमें हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग करते रहते हैं। तो प्रीवियस शो में हमारी रिडल थी जिसका आंसर कोई नहीं दे सका। वो क्या है जिसके आउटसाइड को आप फेंक देते हैं और इनसाइड को कुक करते हैं, उसके बाद इनसाइड को खाते हैं और आउटसाइड को फेंक देते हैं? तो इसका आंसर है कॉर्न, जिसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया। तो इस रिडल को कोई सॉल्व नहीं कर सकता। ट्राई अगेन, मेरे पास और भी बहुत सारी रिडल्स हैं जो कि आज भी मैं पूछूंगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स शामिल करती जाऊं। तो रुमान सेज एक्सेलेंट शो, थैंक यू सो मच। एंड अफीरा आजम सेज सुपर्ब शो, थैंक यू। वकास रमजान सेज आई कुडंट सॉल्व द रिडल, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, नाउ यू नो द आंसर। Special person says good show, thank you so much for liking my show, keep liking, keep commenting and keep shining. So as you all know that in our shows we have series of habits from the 7 habits of highly effective people by Stephen Covey, aur in habits ki series कि 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं जो कि आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये हैबिट्स आपने अडॉप्ट भी की होंगी और इनसे बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा। अगर आप मेरा शो पहली बार सुन रहे हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू कैन गो एंड वॉच। सबसे पहले हम आज की रिडल की तरफ जाते हैं और वो रिडल है, व्हाट गोज अप बट नेवर कम्स डाउन, वो क्या है जो ऊपर जाता है लेकिन कभी नीचे नहीं आता। What goes up but never comes down? Think about this riddle and answer on the comment box. और अगर आप मेरा शो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी इस सीरीज की प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देखें और पिछली 5 हैबिट्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। और आज की हमारी 6th हैबिट है सिनर्जाइज, SYNERGIZE, Synergize। तो इस habit, 6th habit, Synergize के बारे में बात करते हैं और इस word का meaning मैं आपको बताती हूँ। ये word Synergize निकला है Synergy से, SYNERGY, Synergy। Synergy का जो concept है वो ये कहता है कि whole is always greater than sum of parts। अब ये क्या है इसको जरा मैं डिटेल में समझाती हूँ। लेट्स सपोज 4 इंडिविजुअल्स ने अलग अलग कोई काम किया और उनके काम को प्लस किया, और बाद में जब हम उन चारों इंडिविजुअल्स को एक टीम बनाकर कोई काम देंगे तो जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आउटकम होगा, वो उससे हमेशा ज्यादा होगा रिजल्ट आया था उन चारों के इंडिविजुअली काम करने से। इसलिए स्टीफन कोवी इस 6th हैबिट सिनर्जाइज से ये बताना चाहते हैं कि वी नीड टू वर्क टुगेदर। अगर हम ये समझें कि इंडिविजुअली काम करके हम वर्क प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू वर्क विद अदर पीपल एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जी। अब इसके लिए स्टीफन कोवी एक और एग्जांपल देते हैं इस बुक में, जैसे कि 2 वुडन पीसेस हैं, दोनों मिलकर जितना वेट उठा सकते हैं, सिंगल वुड पीस इतना वेट नहीं उठा सकता। तो इसी तरह से सिनर्जी के कॉन्सेप्ट से 1+1 कैन बी 3 ऑल्सो, नॉट नेसेसरी इट इज 2। जब 2 इंडिविजुअल्स का काम मिलाते हैं तो हम उसको प्लस करते हैं तो 1+1 2 हो जाता है, लेकिन सिनर्जी के कॉन्सेप्ट के थ्रू जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं, व्हेन दे वर्क टुगेदर, तो वो
उस 2 से ज्यादा बनेगा क्योंकि उन दोनों ने मिलकर काम किया। तो उनका आउटकम जो है वो 1+1 11 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज दे आर वर्किंग टुगेदर। तो कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि हाउ टू सिनर्जाइज। सिनर्जाइज ये हैबिट है, 6th हैबिट इस बुक की। तो सबसे पहले सिनर्जाइज करने के लिए सिनर्जेटिक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। एंड नाउ व्हाट इज सिनर्जेटिक कम्युनिकेशन। सी, आप कहीं भी काम करते हैं, नॉट ओनली इन योर ऑफिस, आप अपनी सोसाइटी में, अपनी सराउंडिंग्स में, या फिर इवन आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, जब आप ग्रुप में काम करते हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो सबसे पहले आपका उनसे कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन ओपन होनी चाहिए और सिनर्जेटिक होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड यू विल स्टार्ट सिनर्जाइज फ्रॉम टुडे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस हैबिट, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो हम क्या बात कर रहे थे, सिनर्जेटिक कम्युनिकेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूजुअली लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होती कैसी है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टेड लेयर बना लेते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो ही सही है, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज बेस्ट, माय वे इज बेस्ट, और मैं जिस पर्टिकुलर तरीके से इस दुनिया को देखता हूँ, रियलिटी को देखता हूँ, वो ही सही तरीका है। और ये सबसे बुरी फेज है कम्युनिकेशन की, क्योंकि इस फेज के थ्रू देयर इज नो कम्युनिकेशन एट ऑल। जब तक हम किसी से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अदर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। दूसरे किस्म का जो कम्युनिकेशन है उसमें हम कम्युनिकेशन तो करते हैं अपनी टीम से, दूसरे लोगों से, लेकिन हम डिस्कशन से बचते हैं, हम आर्ग्यूमेंट से बचते हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है, या तो हम पोलाइटनेस दिखाते हैं और किसी भी आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए अग्री कर लेते हैं, या फिर हम अपनी सोच दूसरों पे थोप देते हैं और कहते हैं बस ये है तो बस ये ही है, इससे बिल्कुल आगे पीछे सोचना भी नहीं है। तो इन दोनों ही कंडीशन में अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होती, क्योंकि एक कंडीशन है लूज विन की और दूसरी है विन लूज की। लेकिन वी शुड थिंक विन विन, जो कि ये हमारी 4th हैबिट भी है। लूज विन में हम लूज कर रहे हैं, सामने वाला विन कर रहा है, और विन लूज में सामने वाला विन कर रहा है और हम लूज कर रहे हैं। दोनों ही सिचुएशंस में इसमें रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं आता, तो इसलिए हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जो कि हो विन विन सिचुएशन। जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास और आइडियाज आते हैं, जो हमारे पास आइडिया हो हम वो बताते हैं, जो सामने वाले के पास आइडिया होगा वो भी बताएगा। इस डिस्कशन में हमारे पास 2 आइडियाज आ जाएंगे, जबकि उससे पहले जब हम डिस्कशन से बच रहे थे तो हमारे पास सिर्फ एक ही आइडिया था जो कि हमारे माइंड में था। लूज विन की सिचुएशन करते हुए अपना आइडिया हमारे माइंड में ही रह जाएगा, विन लूज की सिचुएशन करते हुए सिर्फ हम अपना आइडिया बताएंगे लेकिन सामने वाले को सुनेंगे नहीं। तो ये दोनों ही तरीके बहुत ही गलत हैं। तो डिस्कशन करें, डिस्कशन से दूर ना जाएं और विन विन की सिचुएशन को क्रिएट करें। अच्छी है ना ये हैबिट। तो हम इस हैबिट पे अभी बात कर रहे हैं और आगे चल के अभी थोड़ी और बात करेंगे। उससे पहले मैं अपनी रिडल दोबारा से रिपीट कर दूं ताकि आप साथ साथ उसके बारे में भी सोचें, जो कि है व्हाट गोज अप बट नेवर कम्स डाउन, वो क्या है जो ऊपर जाता है लेकिन कभी नीचे नहीं आता। So think about this riddle and comment on the comment box. तो वापस आते हैं हम अपनी habit पे, synergize. आपके और सामने वाले के बीच में differences हो सकते हैं, ये possible है, लेकिन at the same time both correct भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं के गलत ही हो, एक ही सही हो, दोनों भी ठीक हो सकते हैं। सिनर्जेटिक कम्युनिकेशन करके हम वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और सिनर्जाइज करके, टीम वर्क करके काम के आउटकम को बढ़ा सकते हैं। सो स्टार्ट सिनर्जाइजिंग, अडॉप्ट दिस हैबिट टू सिनर्जाइज। तो एक टीम में एक साथ काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, और कम्युनिकेशन से कभी भी भागे नहीं, और कभी भी इस चीज से नहीं डरें कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सामने वाले का अलग होगा, तो मैंने इसकी बात सुननी ही नहीं है। इसलिए Don't run away from discussions and arguments. मुझे उम्मीद है कि आपको इस सिनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इससे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आप फायदा उठा सकते हैं। और न सिर्फ ये आपकी खुद की इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा, बल्कि ये आपकी टीम की इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाएगा। Alright, so again रिपीट कर देती हूँ लास्ट टाइम अपने रिडल को, और वो है what goes up but never comes down.
थिंक अबाउट दिस रीडल एंड कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। अब हमारी इस सीरीज की 7th हैबिट रह गई है जो कि नेक्स्ट शो में मैं आपको बताऊंगी और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सो डोंट मिस दैट। यू कैन रिकमेंड योर फेवरेट बुक ऑन द कमेंट बॉक्स कि मैं जिसके बारे में आपको नेक्स्ट शोज में बता सकूं। और मेरे जाने का टाइम हो चुका है, मिलेंगे नेक्स्ट शो में विद न्यू रीडल एंड 7th हैबिट ऑफ कवीज बुक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Oh, oh, oh.